हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक कप दूध इस पैन में चढ़ा दिया है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनोखी और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस थाली में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं मैंने, जैसे काजू, पिस्ता, किशमिश, इलायची, उसके कुछ छोटे दाने। तो ये सारी चीज़ों को हम रस मलाई यूज़ करने के लिए बनाने वाले हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है मिल्क पाउडर, जो कि मैं इस मिल्क के साथ में उसके पैन में डालने वाली हूँ। मिल्क जो है अब थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है। आपको आपके टेस्ट के अनुसार शक्कर डालना है, बट थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि जो रस मलाई होती है वो बहुत मीठी होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा शक्कर का उपयोग करना पड़ेगा। तो अब वी विल ब्रिंग इट टू बॉइल और अच्छी तरह से इसे खुला देंगे हम, ताकि शक्कर भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो मिल्क है वो भी गाढ़ा हो रहा है। मैंने एक कप के करीबन मिल्क लिया है और अब ये मिल्क पाउडर जो है वो मैं अपने स्वाद अनुसार इसमें डालूंगी। मेक श्योर कि आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में इसे डालें, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसका टेस्ट जो आप जो रसमलाई बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपने करीबन एक कप इसमें डालना है, पर मैं यहाँ पे अपने अंदाज में डाल रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मिल्क पाउडर डालने के बाद में जो मिल्क है वो उबल कर ऊपर आ रहा है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखिए, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मिल्क पाउडर को हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो भी आपने चॉप करके रखे हैं उसे उसमें ऐड कीजिए। और चाहिए तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बाद के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम उससे गार्निशिंग कर सकें। तो अब मैंने इलायची पाउडर और बाकी जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स खाते थे, जैसे कि बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू, ये सारे ड्राई फ्रूट्स अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मिल्क के साथ में मैं इसे खौलाने वाली हूँ, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे जो मिल्क है वो भी बहुत ही गाढ़ा होता जा रहा है। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से खौलाना है, ताकि जो उसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब धीरे धीरे जो मिल्क है हमारा वो खौलने लगा है। ये देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से खोल चुका है और मेरे ख्याल से जो रसमलाई का जो आपको रस बनाना है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको मेक श्योर करना है कि बहुत गाढ़ा हो, लेकिन एकदम गाढ़ा नहीं करना है इसे। और ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का अब ये हो चुका है। तो अब जो मैं ब्रेड के जो स्लाइसेस है उसे कट करूँगी। आपको इस तरह से उसे काट लेना है, किसी भी छोटी सी कटोरी से या किसी भी बर्तन से, और राउंड शेप में उसे काट के रखना है। मेक श्योर कि आपको इसे छोटा छोटा काटना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब आप रस मलाई के पेस्ट में उसे डालोगे, मलाई में उसे डालोगे, तो वो डबल हो जाएगा साइज़ में। तो इसीलिए हमें उसे छोटा ही काटना है। अब हमें उसे ऐड कर देना है हमने जो मलाई बनाई है उसमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मलाई भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और अब इस तरह से उसे मिला लेना है। ये देखिए, मैंने एक एक करके जितने भी स्लाइसेस काटे थे ब्रेड के, इस तरह से उसे मिला ले रही हूँ। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है ये। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है। आपको डेफ़िनेटली ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसे डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही यूनिक है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत यमी होती है ये। मैंने कुछ और स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। पर इससे पहले मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसे बादाम से गार्निश किया है। आप चाहते हैं तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं गार्निश करने के लिए, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, इसके लिए मैंने सिर्फ बादाम यूज़ किया है। तो ये देखिए,
जो मलाई में मैंने डाली थी रसमलाई में वो काफ़ी फूल चुकी है, जो स्लाइसेस हैं उसने पूरी मलाई को सोख लिया है। और ये देखिए ओवरनाइट रखने के बाद में ये कैसा लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे इसे खाना है, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आई होप मेरा ये चैनल आपको, मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी यूनिक और एंटीक रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।